होने चाहिए, बिकॉज आपका वीडियो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एंड इसको भी आप दो तरह से सेट कर सकते हो। तो जैक वगैरह में या फिर ऑफ रोडिंग करते हुए आपका फ़ोन या कैमरा जो भी है वो होल्डर बाहर निकल सकता है, एंड आपका फ़ोन या होल्डर जो भी है वो गिर सकता है। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग एक प्रोडक्ट, सो वो आपका चिन हेलमेट माउंट है, एंड वो आपका इस एंगल में जो हेलमेट का ये एंगल यहाँ पे रहता है वो इस पोर्शन में आपका सेट होगा। सो गाइस, आज इस प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे अंदर में कि अंदर पैकेट में क्या क्या मिलता है इसके अंदर। सो फटाफट से बिना लेट के इस प्रोडक्ट को हम लोग निकालते हैं पैकेट से, अनरैप करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, एंड मैं सारे डिटेल्स बताऊंगा प्रोडक्ट कैसा है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, वो सारी चीज़ मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताने वाला। सो देखते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को चार पार्ट मिलेंगे, और ये चार पार्ट में आप अपने फ़ोन को भी माउंट कर सकते हो, या फिर गोप्रो वगैरह या DSLR वगैरह है तो उसे माउंट कर सकते हो उसमें। सो सबसे पहले ये जो पार्ट है ना आपका, सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा हाफ हेलमेट है, फुल फेस वाला अभी आया नहीं है मेरे पास, हाफ ही मेरे पास है, इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो फ़ोन है ना, ये आपका यहाँ वाला पोर्शन है। सो इसमें कैसे फिट होगा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। सो इस हेलमेट को लोग अभी साइड में रख दे फेंक देते हैं उधर। सो गाइस, ये आपका चिन वाला जो पार्ट है वो है सपोज करो। सो ये कुछ इस टाइप का आपको मिलता है सबसे फर्स्ट सामान। सो हम लोग इसको ऐसे यहाँ पे बैठाएंगे, चिन वाले बाहर के साइड में ऐसे बैठाएंगे, आप इसको ऐसे ही बैठा सकते हो, ऐसे ही बैठा सकते हो, बट इसका जो ये दिया हुआ है ना, ये पीछे रबर टाइप का दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, इसमें देख सकते हो ग्रिप के लिए ये भी बना हुआ है। सो इस एंगल को हम लोग ऐसे, ये जो दो पार्ट है ना, दो फेस इसका बना हुआ है, इसको हम लोग ऊपर रखेंगे, और ये एक फेस बना हुआ है इसको हम लोग नीचे रखेंगे। सो इससे आपके जो माउंट है ये, इसको अच्छी ग्रिप मिलेगी, और इसको आप लोग देख सकते हो ये रिबन दिया हुआ है, और यहाँ पे आप लोगों को लॉक करने के लिए स्विच दिया हुआ है। सो ये वाला ऐसे हम लोग खोल लेंगे यहाँ पे, एंड इसमें से एक रिबन ऐसे हम लोग निकालेंगे कोई सा भी, और इसको यहाँ से ये जो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है इसमें हम लोग ऐसे खींच देंगे यहाँ से इस रिबन को, और देख सकते हो इसमें ऐसे आकर कि ये अंदर की साइड ऐसा कुछ दिखेगा आपका, और उसके बाद इसको ऐसे करके पूरा अच्छे से टाइट कर लेना है आपको, अच्छे से टाइट करके, और ये वाला जो स्विच है ना आपका, ये जो बना हुआ है एंगल, इसको ऐसे करके मतलब जोर से, हल्का जोर से, इसमें थोड़ा जोर से प्रेस करना पड़ेगा आपको, और ये लॉक हो जाएगा। देख सकते हो ये पूरी तरह से लॉक हो चुका है, ये रिबन जो है इसमें फिसलेगा नहीं, ये अच्छे क्वालिटी का रिबन है। ओके, जोर से देख सकते हो, और ये कुछ इस टाइप का आपका हेलमेट के ऊपर में ये वाला माउंट आपका दिखेगा। एंड आगे चलकर हम लोग इसमें जैसा भी हम लोग को नीड है, देख सकते हो एक ये पार्ट दिया है, एक ये मोबाइल होल्डर के लिए दिया है, एंड एक ये पार्ट दिया है जिसे हम लोग अपने एंगल को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस पार्ट को लगा करके, और इसको टाइट या लूज भी करेंगे। सो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये और ये आसानी से इंसर्ट नहीं होगा। आगे बात करते हैं कि बहुत सारे माउंट्स, हेलमेट माउंट्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन भी और मार्केट में भी, जो चिपकाने वगैरह जुगाड़ करके एमसील वगैरह या फेवी वगैरह से होता है, बट मेरे को उसमें ट्रस्ट नहीं है, इसके लिए ये वाला बेस्ट है माउंट, बिकॉज ये वाला ना पूरी तरह से 100% एक्यूरेट ये ग्रिप है इसका, और इसमें आपका फ़ोन निकल के गिरने का चांस नहीं है। एंड आप चाहो तो ये सारे जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे चीज़ आप अलग अलग भी ले सकते हो, आपको अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, एंड थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट मैं जो आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये जो चार पार्ट्स हैं ये सारे एक ही साथ मुझे मिले हैं, एंड कम रेट में मिला है, ये टोटल आपको 1000 के आसपास पड़ जाता है, बट ऑफ़र की वजह से मुझे आपको 399 रुपीज़ में मिल जाएंगे। सो अब फटाफट से ये पार्ट की हम लोग क्वालिटी देखते हैं। ये वाला पार्ट बेसिकली आप अगर GoPro लेते हो तो आपको ये वाला कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका GoPro का कैमरा जो रहता है उसके नीचे में कुछ इस टाइप का एंगल बना हुआ रहेगा, उसको डायरेक्ट आप यहाँ पर सेट कर सकते हो एंड इससे टाइट कर सकते हो। अगर आपका कोई अनदर कैमरा है जिसमें ये वाला पार्ट नहीं बना हुआ है तो आपको उसमें कुछ इस टाइप का पार्ट दिया हुआ रहेगा, सो इसको निकाल देते हैं एंड साइड में रखते हैं, एंड इस टाइप का आपका एंगल बना हुआ रहेगा, सो उसमें आपका डायरेक्ट ये वाला पार्ट को यहाँ पर आपको इंसर्ट करने का, एंड ये वाला सेट हो जाएगा आपको।
सो ये वाला पार्ट आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे, इसमें इंसर्ट करोगे, सो ये वाला थोड़ा सा आपको हेवी लग सकता है। सो आप ये मत सोचिए ख़राब है, ये हेवी थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा टाइट रहेगा ज़्यादा। सारे चीज़ों का होल्स जो दिख रहा है आपको यहाँ पे अच्छे से मिला लेने का, एंड देन ये वाला पार्ट आपको सेट कर देना ऐसे करके। अगर ये हल्का सा टाइट लगे, ज़्यादा टाइट लगे, तो आप इसको ऐसे से करके एडजस्ट कर सकते हो। एंड अब हम लोग फाइनली बात करते हैं फ़ोन होल्डर की। तो आप इस टाइप का प्लास्टिक में आपको एक फ़ोन होल्डर मिल जाता है, एंड इसको भी आप दो तरह से सेट कर सकते हो। तो इसमें एक और चीज़ है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी क्वालिटी बेसिकली बहुत ही अच्छी है। एंड ये वाला देख सकते हो, इसमें भी नट आप सेट किया हुआ। सो इसके ऊपर में ये जो आपको दिख रहा होगा, शायद आई होप कि इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लेदर और नायलॉन दोनों मिक्स करके कुछ इसमें ग्रिप बनाया हुआ है ये पार्ट में। एंड इससे क्या होगा आपको बताता हूँ। आप अगर अपने कैमरे को या तो फ़ोन होल्डर को आप जब इसमें सेट करोगे ना, तो उसमें वो चिपक जाएगा एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड बहुत ही अच्छी ग्रिप बनाएगा, जिससे आपका फ़ोन जो है ना वो स्टेबल रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से इसको सेट करके देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। आप इसको दो एंगल में सेट कर सकते हो। फर्स्ट जो है, यहाँ पे आपको पीछे में एक दिख रहा होगा सॉकेट टाइप का, सो इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे रख के, एंड आप लोग को अपने यूज़ के हिसाब से ऐसे करके आपको सेट कर लेनी है। ये देख सकते हो फ्रीली आपको सेट हो जाएगा, बट इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइट आप लोग करना है, लेकिन ये लास्ट टाइट है, ये देखो ये पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। सो ये कुछ इस टाइप की आपकी रहेगी, हेलमेट के यहाँ पे रहेगी आपकी। एंड इसको आप एक और एंगल में सेट कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा ये वाला ऊपर रखना है, तो आप इसको वापस से खोलोगे, ये देखो आपको दिख रहा होता है, ये देखो इसमें ना ये साथ में निकल जाएगा। सो ये तो हो गया फर्स्ट एंगल। अब सेकेंड एंगल आप इधर से सेट कर सकते हो, ये देखो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट हो जाएगा आपका फ़ोन होल्डर, और ये आपके अकॉर्डिंग आपको जो एंगल लेनी हो, देखो इसको आप आराम से एडजस्ट करके, और ये वाली टाइट कर लेना, ये बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा, स्टेबल फुली स्टेबल रहेगा। जब मेरा हेलमेट आ जाएगा तो मैं आपको मोटो ब्लॉग भी करके दिखा दूँ। माउंट की क्वालिटी देख सकते हो बहुत ही अच्छी टाइट दी हुई, बस यहाँ पे जो रबर का ग्रिप रहता है वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट प्लास्टिक का ग्रिप बनाया हुआ है। इससे आपका फ़ोन का ये जो ये सारे पोर्सन है ना, ये आपको डैमेज हल्का सा मतलब कलर फेड हो सकता है। जेली कवर इसमें लगा सकते हो या बैक कवर जो भी लगा करके आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली भी यूज़ करोगे तो आपका मतलब ऐसा नहीं कि फ़ोन फिसल के गिर जाएगा, ग्रिप अच्छा है। और यहाँ पे भी आपका वही लेदर और नायलॉन टाइप का कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट आपका लगाया हुआ है ग्रिपिंग के लिए, जिससे आपका फ़ोन का जो व्यू एंगल रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, हल्का सा भी आपको लैग नहीं देखने को मिलेगा। सो जब आप इस एंगल में सेट करोगे अपने होल्डर को, तो आपका जो एंगल होगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, यहाँ पे रहेगा। एंड यहाँ से आप इजिली देख सकते हो कि आपका जो स्क्रीन है वो अच्छे से दिखेगा। एंड इसमें एक बार मैं आपको फ़ोन भी लगाकर दिखा दे रहा हूँ। या बटन का आप बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें, बटन कोई भी इसमें क्लिक नहीं होने चाहिए, बिकॉज आपका वीडियो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे बटन है, तो मैं अपने फ़ोन के होल्डर को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। एंड ये देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, अब आप कितना भी स्पीड में चलो, ये देखो ये फ़ोन गिरने वाला नहीं है, बिकॉज इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे अगर रबर का अलग से कुछ दिया हुआ रहता ग्रिप, तो और भी अच्छी मतलब सियोरिटी हो जाती है। बट इसमें भी गाइस आप अच्छे से एक बार सेट कर लें, एंड उसके बाद आराम से शूट कर सकते हो। सो देख सकते हो ये कितना भी आप हिला लो, ये फ़ोन इसमें गिरेगा नहीं। बट वो जो चिपकाने वाला रहता है, जिसमें आप एमसील या फेविक्विक से चिपकाते हो, सो जैक वगैरह में या फिर ऑफ रोडिंग करते हुए आपका फ़ोन या कैमरा जो भी है वो होल्डर बाहर निकल सकता है, एंड आपका फ़ोन या होल्डर जो भी है वो गिर सकता है। वो आपको इससे भी कम प्राइस में मिल सकता है, बट इसका प्राइस हाई है थोड़ा सा, लेकिन आपको इसमें सेफ्टी बहुत ही अच्छा, 100% सेफ है ये। सो आज के वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। एंड साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। एंड अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हो या मोटो व्लॉगर बनना चाहते हो, सो मेरा एक और सेकेंड चैनल है जिस पे मैंने कुछ टिप्स अपलोड किए, एंड अभी फ्रेशली न्यू टिप्स उसमें मैं अपलोड करने का स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आप वो वाला चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, एंड उसमें आपको सारी डिटेल्स, सारे टिप्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, मेरी जो भी फेलियर रही वो सारी चीज़, अपना फेलियर, मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहा वो मैं उसमें शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। सो आप वो चैनल को जरूर चेकआउट करिए। सो आज के वीडियो के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखें अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का। टाटा, टेक केयर।